बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम वफाकी और सूबाई मुलाजमीन खाह जिनका ताल्लुक जिस भी डिपार्टमेंट से है उनके लिए खुशखबरी है कि 1 दिसंबर से उनकी पे में जो सालाना इजाफा होता है जिसको सालाना इंक्रीमेंट कहते हैं उस पे भी 35% इजाफा दिया जा रहा है। क्योंकि कुछ ऐसे सालाना इजाफे हैं यानी जो 35% दिया गया है एडहॉक रिलीफ वो फ्रीज़ नहीं है। अगर फ्रीज़ कर दिया जाता फ्रीज़ होता तो फिर 35% इजाफा जो बेसिक पे है उसमें बेसिक सालाना इंक्रीमेंट है उसमें लग के ना आता। क्योंकि फ्रीज़ नहीं है इसलिए अब सालाना जो इंक्रीमेंट है उसमें ये 35% इजाफा लग जाएगा। आपके सामने है ये चार्ट के एनुअल इंक्रीमेंट कितनी है उसमें 35% इजाफा कितना होगा और टोटल पे में इजाफा कितना होगा। ये बेसिक पे स्केल आपके सामने चल रहे हैं। अगर पहले का 430 है 150 उसमें 35% इजाफा है और जो सालाना इजाफा होगा वो 580 होगा। इसी तरह जितने भी आपके सामने बेसिक पे चल रहे हैं आपका जो भी बेसिक पे है चाहे वो 1 है 2 है 3 है 4 है आप इस चार्ट में से देख सकते हैं कि आपके आपकी जो तनख्वाह है उसमें दिसंबर से 1 दिसंबर से कितना इजाफा होगा। ये क्लियर कट ये इजाफा भी दिखाया गया है एनुअल इंक्रीमेंट भी है और जो टोटल इजाफा है वो भी आपके सामने है। अगर आप पूरी वीडियो में देखेंगे आपको टोटल समझ आ जाएगा यानी लास्ट में जो इजाफा है वो आपकी तनख्वाह में ऐड होगा। ये 1 दिसंबर से आपकी तनख्वाह में ऐड कर दिया जाएगा। पहले अगर बेसिक पे स्केल 12वें को देखते हैं आपकी तनख्वाह में 1430 का इजाफा होता था दिसंबर में, अब वो 1430 नहीं बल्कि 1930 होगा। इसी तरह 14वें स्केल का अगर पहले 1740 होता था इजाफा अब वो 1740 नहीं होगा बल्कि 2349 उसके तनख्वाह में ऐड होगा। इसी तरह 16 स्केल है 2260 पहले इजाफा होता था अब 2260 की बजाय 3051 होगा क्योंकि उसमें से 35% का इजाफा होगा। ये मुलाजमीन के लिए एक अहम खुशखबरी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर दिल चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।